दुबई प्रधान भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो आपका भी एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदत आता है देखने में, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट और रन आउट। और क्या एक युवा गेंदबाज जब इस तरह से गेंदबाजी करता है तो चांस बन सकता था इस बार। ये पहली गेंद चले गए पास सचिन, पहला गेंद शॉट मिड विकेट के रीजन में अकेडमी क्रैकिंग दीपक के बल्ले से की तरफ से भी पांच रन की सहयोग से चले गए पांच। चले सचिन तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा फाइनल मुकाबला है डुंगरी में, जो कि होगा पुनगांव के साथ। तो पुनगांव भी इलाके की काफी अच्छी टीम है, दो फाइनल उठा चुकी है इस सीजन में। तो मिलाते हैं आपको अपने खिलाड़ियों से। ये हमारे तरुण भाई आज दूसरा मुकाबला, और ये अमित भाई, और वो प्रीतम भाई हमारे, और ये दीपू धारी भाई, और एक काना है, और ये होलदार भाई हैं, कटर सपोर्टर हैं हमारे। ये हमारे नरेश चाचा पहुंच चुके हैं, ऑलराउंडर हमारे। तो ये हमारे दादाजी, ये रिश्ते में दादा लगते हैं, उम्र में काफी छोटे हैं। मेरे से भी छोटे हैं वैसे तो। और ये हमारा मोतीराम, और ये हमारा प्यारा सा गांव दियारकोट, और ये सामने जाक, और ये है चौखम्बा पर्वत। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम डुंगरी के मैदान पे। तो दिखाते हैं आपको डुंगरी प्रधान भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो आपका भी एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दियारकोट से भी काफी लोग ये सब मैच कर आंखों देखने के लिए आपने यहां पर पहुंचे। तो आपका टॉस के प्रयास होते हुए ये है टीम कैप्टन दियारकोट और टीम कैप्टन पुनगांव, यहाँ से तो कॉल करेंगे टीम कैप्टन दियारकोट। टेल की है कॉल, और टेल इट इज। और फील्डिंग का फैसला क्या है टॉस जीतकर पहले दियारकोट ने। दीपक की पहली गेंद तो मैच शुरू होता हुआ, दियारकोट 11 की पहले गेंदबाज आए हैं। वहां पर आप बताओ कोच है गेंदबाज में लहराया है गेंद, दूसरी गेंद चले गए दीपक पढ़ा के थोड़ा सा पढ़ के अंदर की तरफ आ रहा है, गई गेंद के साथ गेंदबाजी करता है तो आनंद आता है देखने में। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट और रन आउट, और दियारकोट 11 को मिलता मिलती हुई पहली सफलता रन आउट के रूप में। गेंदबाजों में चले गए बार फिर गेंदबाज, एक रन है, थोड़ा सा कैप वहां पर जरूर मिला था और एक रन मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर गेंदबाज, ये पड़ की भी गेंद जरूर थी, बारू छाल देखने के लिए जरूर गए। तो योगिंदर आए हैं गेंदबाजी पे, तो चले योगिंदर, ये काफी अच्छी गेंद तो थकेल दो उसे। यहां से जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन जरूर पूरा कर लिया। बात एक युवा गेंदबाज जब इस तरह से गेंदबाजी करता है तो चांस बन सकता था इस बार का सब जरूर। इस बार धीरे धीरे कदों से अंपायर को पार किया, जरूर फटकी भी गेंद थी। योगिंदर धीरे धीरे कदों से इस बार ये काफी अच्छी गेंद किसी लहरा, तो चले गेंदबाज एक बार फिर धीरे धीरे कदों से पटकी भी गेंद थी और काफी बेहतरीन क्षेत्र छोड़ा। आज दोनों ही टीमें जरूर जानते की एक काफी अच्छी गेंद, गेंद हल्का सा अंदर जरूर देखने के लिए मिला था, यानी कि जो इंस्टिंग होती है। तो चले गेंदबाज एक बार फिर सारे काफी शॉर्ट सिलेक्शन की बात करें तो उनका वो इस बार बेहतरीन शॉर्ट सिलेक्शन, जब तक वो फील्डर बॉल को फील्ड करते यहां से दोनों बल्लेबाजों ने एक रन जरूर पूरा कर लिया। तो इस एक रन के चलते स्कोर जा पहुंचा 8 रन। तो जो आज के जो मेरे साथी स्कोरर बड़े भाई लपसी पटारी इस टूर्नामेंट में जरूर बेस्ट स्कोरर जरूर है अभी तक, उनके साथ मेरे बड़े भाई रवि नेगी जी एक विकेट के नुकसान। काफी अच्छी गेंद हुई एक बार तैकड़ा पर हर किलो से मिडल क्षेत्र में यहां से जब तक और बातों में रनिंग ड्यूटी तो विकेट की तो चार जबरदस्त की गेंदबाजी करते हैं। पिछले गेंदबाज एक बार फिर ये काफी अच्छी गेंद और उतना ही कड़ा तरह बल्लेबाज द्वारा तो हल्का सा
फील्डिंग में बैठ गया जो था कि हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बड़े भाई। तो चलिए गेंदबाज एक बार फिर बढ़िया फील्ड है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है, मतलब 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के लिए आए हैं सचिन, बल्लेबाजी पर हैं दीपू। सचिन की पहली गेंद, पहला गेंद शॉट मिड विकेट के रीजन में एकेडमी क्रैकिंग दीपक के बल्ले से पहला स्कोर और छक्के के बाद पारी का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन ओके के बल्लेबाज को। चले एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज, बढ़िया शॉट पीछे फील्डर है पॉइंट के रीजन में बड़े भाई नरेश। चले गेंदबाज सचिन दीपक को बहुत ही गेंद बाहर है, ये भी दे जाएगा आधे दर्जन यस बैंक मैक्सिमम दीपक के बल्ले से एक और। और चले गेंदबाज 5-7 मिनट बड़ो हमारे बहुत ही बढ़िया गेंद है, आज की दो टीमें खूबसूरत है। चले गेंदबाज एक बार फिर संतोष, स्टोक बढ़िया है, स्टोक बढ़िया, एक रन तो था बिल्कुल था, थोड़ा सा तालमेल के साथ क्यों राउंड द विकेट से आप एंड परिवर्तन कर रहा है गेंदबाज बल्लेबाज के खिलाफ, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी इस मरतबा। एक बार फिर चले गेंदबाज राउंड द विकेट से, हल्की सी अपील लेकिन राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, एक और ओवर सफलता, ओवर राउंड द विकेट से गेंदबाजी क्रम किया है गेंदबाज नरेश ने भी, बढ़िया शॉट है, नो मैन स्टैंड गिरा है, एक रन जरूर मिल जाएगा। गेंदबाज नरेश राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहा है, खेलने का प्रयास और बढ़िया खूबसूरत नजाकत भरा ये स्ट्रोक देखने को मिला इस मरतबा, और एक रन मिल जाएगा। आज गलतियां माफ नहीं होंगी, नीचा रहा गेंद, नीचा रहा ग्रीस, बढ़िया बल्ले है आपने, केवल निराशाएं हाथ लगी है। ये देखिए इस मरतबा खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर है और एक रन मिल जाएगा, रनिंग बिटवीन द विकेट अब काफी बढ़िया देखने को मिली है, और बेझिझक इस प्रकार खेलिए कि दर्शकों का मन मोहा, जानते हैं कि शॉट मिड विकेट नहीं है वहां पर, तो एक रन बड़ी आसानी से ओवर सफलतम ओवर में कहूंगा। एक बार चाहे आए हैं संतोष, व्हाट अ शॉट, पीछे फील्डर है, क्या दंदनाता हुआ निकल गया है चौका। एक बार फिर ओवर द विकेट से सामने है बल्लेबाज गिरीश, आप रोम देंगे तो चौके निश्चित लग जाएंगे बल्लेबाज गेंदबाज पर, बढ़िया लाइन है हाँ 50, नो मैन स्लैंड गिरा है, नो मैन स्लैंड गिरा है, एक रन मिल जाएगा, कप्तानी करता है तो वो रणनीति जरूर बनाता है। शॉट गेंद, क्या ये निकल गया है, यस बैंक मैक्सिमम एक और, इस बार राउंड द विकेट से ये लीजिए यस बैंक मैक्सिमम एक और निकल गया है, दीपक है ये बल्लेबाज, शॉट उमदा है खूबसूरत पड़े भाई। चले गेंदबाज संयम कितना खूबसूरत आजमी है, चले गेंदबाज एक बार फिर किनारा लगा है, और थोड़ा सा सीमित कॉर्नर में ग्राउंड का अभाव जरूर है, आउटफील्ड का अभाव जरूर है, लेकिन फिर भी क्या निकल गया है, दंदना जो झड़ी है वो लगना लाजमी है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना है नरेश, उमदा स्ट्रोक है, गैप है गेंद, एक रन मिल जाएगा, 49 पर पहुंच, आवाज सुनिए। चले गेंदबाज, चले एक बार फिर गिरीश के लिए प्रयास, आप लगातार क्योर कर रहे हैं। चले गेंदबाज राउंड द विकेट से कैच, टॉप एज लगा है, सफलता मिल गई है एक और, ये लीजिए कॉटन बोल्ड, एक और विकेट मिल गई है, आ गया है ये 50 दीपक के बल्ले से, लाजवाब बल्लेबाजी, स्वागत किया है सभी चाहने वालों के दीपक की इस लाजवाब फील्डिंग का, इस बड़े लाजवाब बल्लेबाज है वो, बढ़िया बॉल, बढ़िया। मैं बात कर रहा था बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। चले ओवर द विकेट से स्टोक है, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने है बल्लेबाज दीपक, वाइड है गेंद, निश्चित ही वाइड है,
अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर अब क्या पहुंचा है मात्र 71। ये लीजिए 10 ओवर 71 रन। फुल टॉस है के तोहफा कबूल किया है यस बैंक मैक्सिमम दीपक के बल्ले से। तो चले योगी अंदर आया पढ़ने के बाद इस मर्तबा गेंद और बढ़िया बेहतरीन है ये गेंद। चले गेंदबाज एक बार फिर, ये भी गेंद खूबसूरत है। एक बार फिर चले दीपक के लिए गेंदबाज योगी, क्या गेंद है ये। चले एक बार फिर आइटम ओवर द विकेट से गेंदबाज, इस पर तबा बाहर है, इस पर तबा बाहर है गेंद। चले गेंदबाज बेहतरीन है ये गेंद। दीपक टॉप इस बल्ले का पॉइंट रीजन में एक रन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन दीपक ने किया है मना क्योंकि काफी लंबे समय से बल्लेबाजी का राउंड। हल्की सी अपील आपका जो गेंद पड़ा है वो कहाँ है, वो बहुत मायने रखता है राउंड द विकेट से। पास कर रहा हूँ गेंदों को, शॉट दर्शक दीर्घा में निकला है दीपक का है बल्ला। गेंद परिवर्तन कितना भी कर लिए जब तक गेंद की लेंथ में परिवर्तन नहीं हो रहा। बल्लेबाज कितना धनी है किस्मत का, कितना धनी है ये बल्लेबाज मोचन हनुमान। उभारा है संकट से इस टीम को एक रन बड़ी आसानी से, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट की चाल चल रहा है। पारी का स्कोर 90 रन। बल्लेबाजी में आए दीपक उजारा बढ़ा है, रूम आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, पीछे फील्डर रखा है और बढ़िया क्षेत्र रक्षण नाम के साथ किया दीपक ने। ये नीचे पीछे फील्डर हाफ अ चांस प्रयास करते ना क्षेत्र रक्षण दीपक। टॉप इस बल्ले का लेकिन नो मैन स्लैंड गिरेगा, निश्चित ही गिरेगा। एक रन तो मिल गया है, सफलता नहीं मिलेगी तो वो तक कारगर साबित होती है। स्लोअर है गेंद, एक रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बढ़िया गेंद, हो गया है कि मैंने कहा गेंदबाजों को लगाना है आज। बढ़िया शॉट है पीछे फील्डर है। चले गेंदबाज दीपक, ये लेंथ बॉल अन अकेडमिक क्रैकिंग निकल गया है यस बैंक मैक्सिमम एक और इसी पर चलेगा। हल्की सी अपील सिंगल, इस अतिरिक्त एक रन के साथ पारी का स्कोर जा पहुंचा है 108। अरे मैं दुकान में बढ़िया बल्लेबाज है जहां तक मैं पुष्कर की बात करूं। बढ़िया फ्लिक ऑन साइड के रीजन में एक रन तो जरूर मिल जाएगा और एक रन के साथ पारी का स्कोर जा पहुंचा है। महामंत्री उत्तराखंड बजाड़ीवाड़ यानी कि सिमली से बढ़िया शॉट और एक रन मिल जाएगा देवेंद्र नेगी। 15 ओवर 110 रन। ऊंचाई नीचे है फील्डर पकड़ेंगे क्या कैच नहीं की बल्लेबाजी का हुआ है अंत, लेकिन तालियों में कमी न करें क्योंकि डगआउट में एक विस्फोटक बल्लेबाज का स्वागत हुआ है। सहयोग के लिए यॉर्कर का प्रयास ठिकाने पर भी गिरा था लेकिन एक रन होने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज। चले गेंदबाज, ये टॉप इस दगा है बल्ले का, रन आउट का खतरा है लेकिन बचे हैं अमर सिंह। बड़े भाई दीपक का विकेट, ये गेंद कहा थी शॉट कहा खेला है लेकिन फिर भी मिला है एक रन। चले गेंदबाज एक बार फिर किसी अपील, लेकिन एक रन मिल गया। गेंद खराब है, ये नो बॉल है। 117 पारी का इसको लग चुका है, वाइड है प्रयास डीजे, क्षमताएं हैं इस बल्लेबाज में। ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, एक रन तो मिल गया है, दूसरे का प्रयास करेंगे अमर सिंह। दौड़े तो हैं जरूर और पहुंच भी जाएंगे क्रीज तक। और
अरे टॉपिस तक है बल्ले का, नो मैन सिलेंट गिरेगा, एक रन तो मिल गया है, दूसरे का प्रयास करेंगे जरूर, लेकिन सामने से अमर सिंह ने क्या है बोर्ड हो गए हैं। ऊंचाई तो काफी है लेकिन लंबाई है नहीं। कैच टॉप पार करती पर बढ़िया स्टोक, रन आउट का खतरा है अमर सिंह। एक रन था वहां पर अमर, व्हाट अ शॉट कमाल का है इस मरतबा, एक रन मिल गया है, दूसरे के लिए पलटेंगे, दूसरा भी पूरा हो जाएगा, जब तक थ्रो आता है तब तक दो रन पूरे हो जाएंगे। शॉट बढ़िया है, कमर के रीजन में निकल गया है, यस मैन। 136 रन 18 ओवर यहां से समाप्त, बचे हैं मात्र 12 गेंदे, और की जर्सी यानी कि योगी गेंद ये किया है गिरफ्तार लेकिन क्षेत्र रक्षण देखिए कितना खूबसूरत है दीपक का, पूर्वानुमान की 6 गेंदों में मात्र 10 रन बनाए, चले राइट आर्म ओवर द विकेट से बसु, स्लोवर है गेंद, पीछे दर्शक मात्र बन गया है, क्षेत्र रक्षण चौका निकल गया है, चले गए अपना हमारी कमेटी से चले गए बाज, बाउंसर का प्रयास लेकिन फिर भी एक रन है, दर्शकों की संख्या में इजाफा, 2,00,000 पहुंचे हैं दर्शक, वाइड है गेंद लेकिन एक रन हो गया है, गेंद क्या निकल गया है था, लेकिन यहां से अगर बढ़िया बल्लेबाजी करती है त्यारकोट तो रिजल्ट कुछ और है, एक रन तो मिल गया है लेग स्टंप के ऊपर, दूसरे के लिए पलटेंगे अमर सिंह है, और 2 रन पूरे हो जाएंगे, बस 2 रन, चले गेंदबाज शॉट निकला है मिड विकेट के रीजन में, निकला है क्या 4 क्या 6 आउट हो गए हैं, 162 रन 20 ओवर में देयरकोट के लिए, ये अंतिम आप करिएगा, आज के तो जो दो टीमें हैं और इस क्षेत्र के सभी युवा मित्रों, जैसा कि इस टूर्नामेंट को लगभग मुझे लगता है कि 15-20 दिन से एक महीने के बीच इसको हो गया, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चले गए पर आइटम ऊपर द विकेट से किनारा लगा है, पहले विकेट का पतन हो गया है, उमदा गेंदबाजी है, एक उमदा बल्लेबाज को सीमित कॉर्नर में पकड़ाया है कैच, निराश का कितना टफ है बल्लेबाजी के लिए, और आपके इरादे बुलंद है मित्र स्टोक, लेकिन क्या वहां तक गेंद कैरी हो जाएगी, यदि तेज है तो हो जाएगी, बढ़िया शॉट पॉइंट के रीजन में एक रन मिल जाएगा, खाता खुला है डीके बॉयज का, चले गेंदबाज एक बार फिर, बढ़िया शॉट और थोड़ी सी मिसफील्ड, हल्का सा वहां पर गैप जरूर नजर आया, बल्ले रहा है, नहाया है धूप की रोशनी में आज ही ग्राउंड सिद्ध पिंचालेश्वर महादेव का, अंदर आया है एक प्लेटफॉर्म आप तैयार करिए, राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए चला गेंदबाज, शॉट तो बढ़िया है और थोड़ा सा गैप में भी रखने का प्रयास किया है, एक रन मिल जाएगा, खराब प्रदर्शन आज इस अहम मुकाबले में, चले गेंदबाज, लंबाई है गेंद की लेकिन क्या दूरी पार कर गई है, जी नहीं, भाग्य का साथ मिल गया है, जिस प्रकार से दीपक को मिला था ना उसी प्रकार, अरे रन कट गया मेरे नहीं पता, वो क्लास गेंदबाज है और वो है अमर सिंह, चले गेंदबाज एक बार फिर, टॉपिस लगा है लेकिन नो मैन्स लैंड है, बिल्कुल से लक्ष्य फतेह करेगा कौन, इस प्रकार बढ़िया शॉट इस बीच आया है, इस एक रन के साथ पारी का स्कोर अब जा पहुंचा है मात्र, बढ़िया शॉट बैक टू द बॉलर धकेला, एक रन मिल जाएगा, इस एक रन खा गया है जरूर क्षेत्र रक्षण में, शॉट मिड विकेट है बड़े भाई दीपक, लग गया है गेंद किनारा निकल गया है वहां पर बल्लेबाज, निराश कदमों से अपने खेमे की ओर, संदीप जसपुर प्रीतम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अब एक रन तो मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास भी किया है और मिल भी जाएगा बल्लेबाज को, यहां नहीं, बढ़िया शॉट इस मरतबा,
एक रन मिल जाएगा ऑन साइड के रीजन है गेंद पांच ओवर द विकेट से अमर सिंह प्रीतम के लिए पुष्कर नीचे आए और नो मैन स्लैंड गिरा है गेंद पहला थोड़ा देर बाद प्रीतम के लिए पकड़े गए हैं क्या कैच जी हाँ एक और विकेट जिला मुख्यालय के कार्यक्रम हो तमाम क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं को उजागर कहूंगा कि बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता की सेवा देते रहे मुझे इस बात की खुशी आज हो रही है मैं मुझे आज भी लोग याद करते हैं और मैं निरंतर आता रहता हूं मेरा बड़ा लगाव इस क्षेत्र से रहा है क्योंकि उस समय एक ही राजकीय इंटर कॉलेज नैनी हुआ करता था या कोई नेता या अभिनेता गांव में वापस पहुंच जाए क्योंकि जो आज की प्लेइंग 11 है उनके लिए भी विशेष मोनूमेंट्स रखे गए हैं तो उपजेता टीम के जो कप्तान है शशि भाई प्लीज आप आइए आपकी नामावली हमारे बीच पहुंची आप हमारे बीच बने रहे नरेश आप आइए प्लेइंग 11 जितनी है आ जाइए नरेश के बाद आएंगे बोल्डर आपका पुरस्कार भी है हमारे बीच तो आज के मैन ऑफ द मैच इसमें सबसे जबरदस्त जो गेंदबाज रहा जिसने अपनी तेज तरार गेंदबाजों से अच्छे खासे बैट्समैन को बैकफुट पर धकेला है उसका नाम होगा क्या थोड़ा सा गेस कर दीजिए दीपक योगी दीपक डीके 12 विकेट इस टूर्नामेंट में और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब जाता है दीपक के लिए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी समीर मिश्रा जी आप आइए प्लीज अरे यह तो कौन दीपू बत्रो जो बेस्ट गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में उमदा गेंदबाजी इन्होंने करी अपनी तेज तरार अपनी स्विंग के साथ परेशान किया सभी बल्लेबाजों को नतमस्तक किया है अपनी गेंदबाजी के आगे आज भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था लेकिन कितना है दीपक मुनगा जबरदस्त बल्लेबाज उमदा बल्लेबाजी में भी काफी मंथन चला पहले कप्तान ने रखा था ग्लव्सों में विकेट के पीछे लेकिन अंत में रखा है विकेट के आगे वो है प्रीतम डीके आइए प्लीज जबरदस्त क्षेत्र रक्षक संदीप चमोली जी आप आइए ये चमचमाती हुई ट्रॉफी बेस्ट फील्डर का खिताब लेकर गया है प्रीतम कौन बेस्ट विकेट कीपर का खिताब जाता है कुंवर सिंह जी हाँ आप आइएगा प्लीज कुंवर सिंह ग्राम डुंगरी डुंगरी वाले कुंवर सिंह है शर्माइए मत मित्रा विकेट कीपर का खिताब वैसे एक ऐसी टीम रही जिसका प्रदर्शन लाजवाब रहा जो अनुशासन के साथ खेली है जिसने सबका दिल जीता है अपने चाहने वालों का वो टीम होगी कौन कोई पूर्वानुमान लगा सकता है सटीक दियारकोट जी नहीं वो टीम है पुनगांव एकादश कप्तान चला देखने की सी ये सबसे बेहतरीन टीम जिसने अपना प्रदर्शन उमदा बल्लेबाजी करी है जी हाँ उमदा गेंदबाजी करी है बड़े भाई दीपक पुनगांव आप आइए रन और 5 विकेट आज तक इन्होंने ली है और ये दी जाएगी बड़े भाई ये 1600 रुपए का नगद पुरस्कार आज इनकी बल्लेबाजी के लिए ये मैन ऑफ द सीरीज दीपक तो सबसे पहले प्रीतम आप हमारे बीच आ जाइए सबसे पहले दो शब्द जरूर आपके मुखार बिंदु से सबसे पहले तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हार और जीत दो पहलू है इस बीच आप निराश मत होइए बेस्ट फील्डर का खिताब आप ही के लिए गया है हालांकि हार आपकी हुई है इसका कोई इश्यू नहीं है आप दो शब्द जरूर कहिए हमारी कमेटी के लिए या आज किस प्रकार की स्ट्रेटजी थी आपने जबकि पहले टॉस आपने जीता सिक्का आपके पक्ष में उछला था उसके बावजूद भी आप गेंदबाजी के लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं एक रणनीति जरूर रही होगी तो प्लीज आप दो शब्द तो धन्यवाद संदीप भाई तो टॉस जीतकर हमने गेंदबाजी का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में पिच जो है वो काफी ज्यादा मदद कर रही थी गेंदबाजों को हालांकि आज फील्डिंग थोड़ी सी लूज रही हमारी हमारा एम यही था कि हम 110 या फिर 100 रन के अंदर रोक ले उनकी टीम को लेकिन हमारा डिसीजन थोड़ा सा रॉन्ग गया और इसके चलते अब हम मैच हार गए धन्यवाद
तो धन्यवाद, बने रहिए ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। तो चेक अध्यक्ष साहब के खाते से कट गए, अध्यक्ष साहब आप आइए प्लीज, और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, जी हाँ जितने भी मुख्य अतिथि हैं आप आइए प्लीज। और ये प्रीतम, ये जो उपजेता टीम है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि गुरूर मत कर अपने जीत पर, गालिब तेरे जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। हार और जीत तो पहलू है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो प्रदर्शन ओवरऑल रहा वो काफी खूबसूरत रहा। मेरी गई है देवकोट एकादश की झोली में। प्रीतम इजार, ये नगद कैश। ये गया है पुन्ना एकादश, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए।